अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पनवेल शाखेच्या वतीने महाकवी कालिदास सप्ताहानिमित्त शनिवारी काव्य स्पर्धा झाली. या हिंदी काव्य स्पर्धेमध्ये कविवर्य श्याम अचल यांनी प्रथम, प्रकाश झा यांनी द्वितीय आणि सुधीर शर्मा यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. तसेच सात कवींना उत्तेजनार्थ पारितोषिके देण्यात आली. पनवेल व उरण तालुक्यातील नवकवी, शीघ्र कवी व बुजुर्ग कवी यांच्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे आणि कवींना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी काव्य स्पर्धा घेण्यात आली. खारघर सेक्टर 19 मधील रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूल येथे झालेल्या या काव्य स्पर्धेला कवी आणि कवयित्रींनी उत्तम प्रतिसाद दिला. यंदा या स्पर्धेचे 6वे वर्ष होते. या स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून सुप्रसिद्ध उर्दू शायर डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद तर अध्यक्ष म्हणून सुप्रसिद्ध हिंदी कवी विजयकुमार भटनागर उपस्थित होते. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद पनवेल शाखेचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यावेळी उपस्थित राहून स्पर्धकांना शुभेच्छा दिल्या. कालिदास जी जिनके जिनके नाम पर ये पूरा कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं. हम सभी लोग आज अगर साहित्य क्षेत्र में अपना अपना कुछ कर्तव्य दिखाने के बारे में सोचते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनकी जो उपलब्धियाँ हैं इनको हम कोई भूल सकते हैं. और जहाँ तक कि हम पनवेल की बात करें, पनवेल कॉरपोरेशन की बात करें, खारघर की बात करें या नवी मुंबई की बात करें, हम सारे लोग मिलकर आज पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर से आए हुए यहाँ पर लोग, हम सारे काफ़ी सारे समय से इस क्षेत्र को जानते हैं कि काफ़ी तेजी से ये क्षेत्र उभर कर आ रहा है. अलग अलग क्षेत्र में पनवेल कॉरपोरेशन नए सिरे से बन चुका है, खारघर हो या नवी मुंबई हो, इसका विकास तो हो रहा है. ही काव्य स्पर्धा अत्यंत चुरशीची झाली. यामध्ये विविध सामाजिक आशयांच्या कविता सादर करण्यात आल्या. 20 लाख के खर्चे में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया. दो कमरों की अब कीमत जितनी, उतने में लाल किला गढ़वाया. इतिहासों में चर्चा है मिलती रानियों के 9 लाखा हार की, और अब साड़ी की कीमत 30 करोड़, वो भी साल गिरा उपहार. इंजीनियरिंग में जितनी फीस भरी, उतने में अब नर्सरी की पढ़ाई है. शॉपिंग मॉल में भी लगी है. कैसे तर स्पर्धेत सहभागी झालेल्या साऱ्याच कवींनी वा वा, क्या बात है, बहुत खूब अशा प्रतिक्रिया देत उत्तम साथ दिली. या कार्यक्रमाला स्पर्धेच्या प्रमुख स्मिता गांधी, नाट्य परिषद पनवेल शाखेचे पदाधिकारी श्यामनाथ पुंडे, चेतन जाधव, अमोल खेर, गणेश जगताप, गंभीर दांडेकर, अनिल कोळी आणि सिंधू भारती आदी उपस्थित होते.